हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 16वीं किस्त का हम लोगों को लाभ मिलने वाला है, जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार से अपडेट कर दिया गया है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट में भेज दिया गया है। जो 16वीं किस्त आने वाली है हम लोगों की, उसका स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट हो चुका है। तो दोस्तों हमें इसका मतलब पक्का पता है कि हमें फरवरी माह में किस्त मिल जाएगी। जो 16वीं किस्त है 2000 रुपये, ये हम लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि मैं रोज़ एक वीडियो नई लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर जो अपना भी पीएम किसान का चेक करना है, स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट हुआ या नहीं हुआ, तो उस दोस्तों आप लोगों को जाना है क्रोम ब्राउज़र में और वहां पे टाइप कर लेना है पीएम किसान। PM.gov.in इसके बाद कर देना सर्च आप लोगों को। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे एक पॉपअप इस तरह से कुछ दिखाई देगा, इसको यहां से कट कर देना है और उसके बाद में इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है दोस्तों। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे होम स्क्रीन आप लोगों के सामने आएगी तो इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो UPID यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो वाला यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में जो बॉक्स में कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, ये वाला इस वाले बॉक्स में एंटर करना है कैप्चर कोड। और उसके बाद में आप लोगों को गेट OTP जो दिखाई दे रहा है, गेट OTP ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के जो इस EKYC के साथ में मोबाइल नंबर लगा था, उस पर एक OTP आएगी, वो वाली OTP इंटर करना है और उसके बाद में फिर सबमिट करना है। जैसे आप लोग OTP इंटर कर सबमिट करेंगे, उसके बाद में आप लोगों का स्टेटस आप लोगों के सामने होगा और यहाँ पर डेट एंड टाइम देख पाएंगे जिस दिन आप स्टेटस शो होगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान एस ऑन 27/1/2024 का यानी अपडेट हुआ था, उसका स्टेटस यहाँ पर देख पाएंगे। और उसको जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे लैंड सीडिंग यस, EKYC यस और आधार बैंक अकाउंट यस, तीनों चीज़ सही है यानी दोस्तों। और उसके बाद में इनका पहला मतलब अभी पिछले वाली किस्त में इनका अपडेट मतलब फॉर्म अप्रूवल हुआ था और उसके बाद पहली किस्त मिल गई। अब इनकी जो दूसरी किस्त आने को है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे FTO प्रोसीड जो नो है और पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इनका जो फरवरी में इनकी किस्त पक्का आना है और कुछ लोगों का RFT सिंगल बाय हो चुका है जी। तो दोस्तों आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है, इसी प्रकार से देखना है आप लोगों का अपना स्टेटस चेक करना है, देखना है आप लोगों का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अगर जो नहीं हुआ तो दोस्तों एक दो दिन में होने वाला है और हो जाएगा वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट और आप लोगों का 2000 रुपये का लाभ इस फरवरी माह में मिलने वाला है दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोगों ने EKYC नहीं किया है तो प्लीज़ EKYC ज़रूर करा लें, अन्यथा आप लोगों का 2000 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो ये तीन चीज़ सही होना चाहिए, अन्यथा आप लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर एक अगली वीडियो के साथ में। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।